जिंदगी तुम्हारी है यार, घर में बैठे पूरे माँ बाप बैठे हैं ना, बेटा भाग ये कर रहा है, कौन सा शूटिंग ले रहा है यार। शूटिंग का पता ठीक है, अभी तत्काल अभी फिर से तो कोई कहीं से नहीं, यहाँ पे सफिशियंट फोर्स पदाधिकारी छोड़ दीजिए और हम लोग अभी फिर मौलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुहर्रम की आठवीं और शुक्रवार की देर रात भागलपुर कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ों में पैकरों ने जमकर बवाल काटते हुए पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कोतवाली थाना के जवान अनिल ठाकुर का सर फट गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पथराव में जमादार जयवीर सिंह को भी चोट आई है। कोरोना को लेकर सरकार ने सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद भी भागलपुर में भारी संख्या में पैकर सड़क पर निकले और इमामबाड़ा में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पैकर उलझ गए और मारपीट पर उतारू हो गए और इमामबाड़ों के बाहर की गई बैरिकेटिंग तोड़ दिया। पैकरों को शांत कराने के लिए मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी आशीष भारती, सिटी डीएसपी सुशांत कुमार सरोज, सदर एसडीओ आशीष नारायण, डीएसपी राजवंश सिंह, ट्रैफिक डीएसपी पीके झा, शहर के सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हम आपको बता दें कि शहर में धार्मिक आयोजनों को लेकर हर बार शांति समिति की बैठक की जाती है, लेकिन बैठकों का निर्णय धरातल पर कभी दिखाई नहीं देता है। जबकि गुरुवार की घटना को देखते हुए शुक्रवार को कोतवाली थाने में पुलिस अधिकारी और मुहर्रम कमेटी के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पैकरों को इमामबाड़ा तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा, कैसे पैकरों को नियंत्रण करना है इसके उपाय भी बताए गए थे, लेकिन यह सब बैठक तक ही सीमित रह गया। धरातल पर इसका कहीं से कोई पालन नहीं हुआ। अगर गुरुवार की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ठोस कदम उठाता तो शुक्रवार को शहर अशांत नहीं होता। लेकिन यह सब के बीच सवाल यह उठता है कि इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहा जाए या पैकरों की शहर को अशांत करने की सोची समझी साजिश। सवाल यह भी उठता है कि जब धार्मिक आयोजन के पूर्व शांति समिति की बैठक होती है, उसके बावजूद धरातल पर निर्णयों का पालन क्यों नहीं होता है। सवाल यह भी उठता है कि लगातार दो दिन पैकरों का उपद्रव, साजिश नहीं तो क्या।